मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के अंदर में 14 जून को ट्रांजिट रिमांड पे मानसा कोर्ट के लिए लेकर रवाना हुई और उनको अगले 24 घंटे के अंदर में मानसा कोर्ट के अंदर कंसर्न मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करके पीसी रिमांड के लिए एप्लीकेशन मूव करनी थी, लेकिन उन्होंने आनंद फानंद में रात को ही 4 बजे ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के घर पे प्रोड्यूस करके मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई का 7 दिन का पीसी रिमांड हासिल किया। ये बिल्कुल एक वॉयलेशन था क्योंकि मेरे क्लाइंट के वहां पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव का होना बहुत जरूरी था। हमारी एक्सेस के अंदर में वो वहां पे एप्लीकेशन मूव करते हैं और 7 दिन का पीसी रिमांड हासिल कर लेते हैं, ये कि प्रॉपर वॉयलेशन था, लेकिन हमने फिर भी इसको एक्सेप्ट किया। ड्यूरिंग द पीसी रिमांड उन्होंने वॉयलेशन पे वॉयलेशन की, 41D का वॉयलेशन किया, मेरे क्लाइंट को किसी से मिलने नहीं दिया, हम वकीलों को भी मिलने उनसे नहीं दिया गया। इसके अलावा परमवीर सिंह सैनी, वसीम बलजीत सिंह, जो लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें डेरोगेशन प्रॉपर वीडियो प्रोसीडिंग होनी चाहिए थी, वो भी उसका भी वॉयलेशन किया गया, हमने उसके बारे में भी अपील की। इसके अलावा डीके बासु, जो एक लैंडमार्क जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कि जिसके अंदर में डेरोगेशन में 3rd degree का टॉर्चर नहीं किया जाना चाहिए, उसका भी वॉयलेशन किया गया, जिसके बारे में भी मैंने पिछली बार एक अपील की थी कि पंजाब पुलिस मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई के साथ में 3rd degree टॉर्चर कर रही है, उसको मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न दिया जा रहा है, उसके साथ फिजिकल असॉल्ट किया जा रहा है, उसको रोका जाए। ये वॉयलेशंस हैं क्योंकि ऑलरेडी पंजाब पुलिस ने पटियाला कोर्ट में एश्योरेंस दी थी कि उसकी पूरी जान माल की सुरक्षा की जाएगी, लेकिन ये वॉयलेशंस किए जा रहे हैं, इनको रोका जाए। आज जब हमने पूरी टीम ने यहां से, मेरी पूरी लीगल टीम और मेरे साथ में जो मेरे लीगल एसोसिएट है एडवोकेट सतनाम सिंह, जो लॉरेंस के पुराने केस भी देखते हैं पंजाब में, हमारी टीम ने पूरी तैयारी कर ली थी कि आज जब उसका 7 दिन का पीसी रिमांड खत्म होगा, आज 22 तारीख को जब उसको मानसा कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, तो हम इन सारी वॉयलेशंस का जवाब मांगेंगे पंजाब पुलिस से, बाकायदा सारी मेडिकल रिपोर्ट्स मांगेंगे और सामने से एक एप्लीकेशन मूव करेंगे कि मेरे क्लाइंट के साथ में जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स है उनकी जांच एम्स से कराई जाए, एम्स जो हॉस्पिटल है वहां पे उसका पूरा प्रॉपर मेडिकल कराया जाए, जिससे कि सच्चाई सामने आ सके। और पंजाब पुलिस ने जो भी इंटरोगेशन की है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हर एक घंटे की हम वहां से मांगते परवीन सिंह सैनी वसी बलजीत सिंह जजमेंट के थ्रू, लेकिन इन्होंने बकायदा उस बात को कंसील करने के लिए आनंद फानंद में बिना किसी कारण के उन्होंने कल रात को ही, आज प्रोड्यूस ना करके कल रात को ही, 21 तारीख रात को ही, बारिश में ही रात को 10 बजे मैजिस्ट्रेट के यहाँ पे घर पे प्रोड्यूस करके वहां से 6 दिन का फर्दर उसका पीसी एक्सटेंड करा लिया है। इसकी जरूरत क्या थी पंजाब पुलिस को, ऐसा क्या था जिसको पंजाब पुलिस छिपाना चाहती थी, वो चीजें सामने आ रही है। यहां से साफ पता लग रहा है कि हमारी जो एप्रिहेंशन है, जो हमें इनपुट्स है कि हमारे क्लाइंट के साथ में ये वॉयलेशंस हो रही हैं, उसके साथ 3rd degree टॉर्चर हो रहा है, वो सच है, क्योंकि पंजाब पुलिस को पता था कि अगर आज वो सुबह वहां पर प्रोड्यूस करेंगे तो इनके एडवोकेट्स वहां पे आएंगे और हमें इनको हर बात का जवाब देना पड़ेगा। फर्दर हम जब पीसी रिमांड एक्सटेंशन के लगाएंगे तो हो सकता है कि उसका प्रॉपर विरोध हो और इनको आगे फर्दर एक्सटेंशन ना मिले, तो इस चीज से बचाव करने के लिए और मेडिकल रिपोर्ट की कंसीलमेंट करने के लिए और टोटली कोई भी हमें वीडियोग्राफी उनको प्रोवाइड ना करनी पड़े या कोई डायरेक्शन ऐसी कोर्ट के थ्रू पास ना हो जाए जिससे कि इनको फर्दर वहां पे पीसी रिमांड ना मिल पाए, आनंद फानंद में पंजाब पुलिस ने रात को ही प्रोड्यूस कर दिया। ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं थी, इनके पीछे सिर्फ एक मकसद था कि पंजाब पुलिस हर बात को कंसील करना चाहती है। पंजाब पुलिस का यह कहना कि सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ऐसा किया गया, ये भी अपने आप में एक झूठ है, क्योंकि एक से एक बड़े गैंगस्टर को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, ये सेटल लॉ है। दिल्ली पुलिस में भी लॉरेंस को हर प्रोडक्शन वारंट पे, हर ट्रांजिट रिमांड पे, हर जगह पीसी रिमांड पे बार बार भी कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, आज तक कहीं पे भी उसको बिना प्रोडक्शन के नहीं रखा गया, ना रातों रात पेश किया गया, ओपन कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है। उसके साथ जिस दिन 14 जून को पंजाब पुलिस दिल्ली पुलिस वहां मौजूद थी, उस दिन भी लॉरेंस 7 घंटे के लिए पटियाला कोर्ट में मौजूद था। तो ये बात के लिए एक्सक्यूज देना कि हमने सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया, ये सब कुछ झूठ है। पंजाब पुलिस वॉयलेशन में वॉयलेशन कर रही है, बहुत जल्दी हम एक रिट पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल करने वाले हैं और वो मेरी स्क्रूटनी के अंदर है, विद इन 2 डेज वो लिस्टेड हो जाएगी। पंजाब पुलिस को सारी वॉयलेशंस का जवाब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने देना पड़ेगा। बाबा यामीन बंगाली गोल्ड मेडलिस्ट, तुहाडे शहर च पहली बार अद्भुत शक्ति चमत्कार वेखो, देश विदेश च बैठे सानू व्हाट्सएप ते भी कॉल कर सकदे ने, घर बैठे 11 मिंटा च 101% गारंटी नाल समाधान, वशीकरण ते मुठकरनी दे माहिर, सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, बरकत औलाद कहने तो बार होना, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, गुप्त रोग, पुराना दर्द, पति पत्नी चनबन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाना जा तुड़वाना,
सौतन दुश्मन तो छुटकारा सदा लई रुस्से नु मनाउणा प्यार मोहब्बत बाबा यामीन बंगाली 9645300321।